Hi friends, my name is Ayandas और आप सब देख रहे हैं ड्रॉइंग वी चैनल। आज के हम वाटर कलर ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम दिखाएंगे किस तरह से वाटर कलर करना है। तो पूरा वाटर कलर बेस्ड इस वीडियो को पूरा देखना, किस तरह से वाटर कलर करना है वो आप सीख जाओगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं ब्रशेस से पूरा जो आकाश वगैरह है उसमें हम पहले लेयर पे हम हल्का पानी लगाया, उसके ऊपर हम आकाश पे पानी के ऊपर लाइट ब्लू कलर लगाया हल्का सा, उसके ऊपर हम डीप ब्लू यूज़ करेंगे। उसके ऊपर हम डीप ब्लू यूज़ कर रहा हूँ अभी देख पा रहे हो, और अभी हम रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सनलाइट के लिए इफ़ेक्ट के लिए हम यूज़ कर रहा हूँ, सनलाइट इफ़ेक्ट दिखाने के लिए सनलाइट थोड़ा सा रेड और येलो कलर यूज़ करेंगे या देख पा रहे हो, और थोड़ा सा येलो कलर और रेड मिलाया, और अभी हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर येलो कलर जो होते हैं वहाँ पर यूज़ किया, देख पा रहे हो। ये मैं यहाँ पे जो वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ वो कैमल का वाटर कलर है, जो कि मैं किस डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे लिंक दे देंगे इस कलर का। तो इस कलर के बारे में अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक को फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो का अगर आप जो आउटलाइन है, आउटलाइन स्केच किया था इस पिक्चर का आउटलाइन अगर देखना चाहते हो तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे और दे देंगे और आई बटन पे भी डाल देंगे। तो आउटलाइन मैंने एक ही वीडियो पे आउटलाइन नहीं दिया, उसके पहले मैंने आउटलाइन का वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया था, अगर आप आउटलाइन देखना चाहते हो तो देख लेना। इस वीडियो पे सिर्फ वाटर कलर किस तरह से करना है वही हम दिखाएंगे। इसमें पूरा वीडियो में कैमल का वाटर कलर से किया है, काफ़ी कम प्राइस में इतना अच्छा वाटर कलर मिल जाता है, काफ़ी कम सबसे अगर बोलेंगे कम प्राइस का जो वाटर कलर होता है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पिक्चर्स को पूरा देखना किस तरह से वाटर कलर करता है करना है, कम प्राइस में अच्छा वाटर कलर करना है, तो इस पिक्चर्स को जो मैं ड्राइंग किया उसे पूरा फॉलो करो तो सीख जाओगे। यहाँ पे जो मैं ब्रशेस यूज़ कर रहा हूँ उस बार जो ब्रशेस है वो मैं फेवर कैस्टल का ब्रशेस यूज़ किया है। फेवर कैस्टल ब्रशेस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे आपको, हो सके तो आई बटन भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल ही जाएगा, पक्का लिंक में डाल देंगे। तो बाज़ार पे जाके अगर ब्रशेस खरीदोगे तो उसमें ज़्यादा प्राइस पड़ जाता है, एक प्राय एक एक करके ब्रशेस ख़रीदना होता है, उसमें क्या होता है कुछ ब्रशेस नहीं मिलता। सपोज़ अगर आप जीरो वाला ब्रशेस ख़रीदना चाहोगे तो अगर नहीं मिलेगा तो अगर बोलोगे एक नंबर ब्रशेस दो कभी बोलेगा नहीं है। एक एक करके ब्रशेस ख़रीदना अच्छा नहीं होता, अगर मुझे लगता है अगर राउंड वाला ब्रशेस का सेट और फ्लैट वाला ब्रशेस का सेट अगर एक साथ आप ख़रीद लोगे तो 500 से 550 या 600 में आपको पूरा ब्रशेस की सेट आपको मिल जाता है, तो काफ़ी कम प्राइस में ऑनलाइन पे ब्रशेस मिल जाता है। तो मैं बोलेंगे आपको ब्रशेस ऑनलाइन पे ही ख़रीद लेना चाहिए। आप आते जो मैं यहाँ पे सेलो टेप वगैरह यूज़ करके पिक्चर्स को लगाया है, और बोर्ड जो दिख रहे हो मैं जो रख किया है वो वाला बोर्ड 20 रुपीज़ में मिल जाता है, और कलर प्लेट का भी इस तरह की कलर प्लेट को 90 रुपीज़ का पड़ता है। ये बड़ा वाला कलर प्लेट मैंने ख़रीदा था, इस कलर प्लेट को भी एक वीडियो बनाएंगे किस तरह की कलर प्लेट आपको ख़रीदना है, बहुत जल्दी आ जाएगा मेरे चैनल पे देख लेना। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख के पिक्चर को करना है, जैसे कि अगर आप वाटर कलर करते हो तो लाइट से डीप की तरफ आपको करना होता है,
तो अगर पहले डीप में डीप करके डीप की कलर डीप कलर करोगे तो प्रॉब्लम होगा। लाइट पहले लाइट कलर करो, पहले लेयर करो, उसके बाद दूसरा लेयर करो, फिर तीसरा लेयर में काम करो। बार बार थोड़ा थोड़ा रंग करो और सूखने दो। एक ही बार पे अगर कलर करने जाओगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। एक ही बार पे कलर कंप्लीट मत करना। एक दिन पे अगर वाटर कलर पूरा कंप्लीट करना चाहोगे तो उसमें क्या होता है, आपको पिक्चर अच्छा नहीं बनता। थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन या 3 दिन लगा के धीरे धीरे करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मुझे लगता है। एक ही दिन में टाना अगर ड्राइंग करोगे तो अच्छा रियलिस्टिक वाटर कलर नहीं होगा। वाटर कलर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है मुझे लगता है। अकॉर्डिंग एक्रोलिक कलर में काफ़ी कम टाइम लगता है ड्राइंग करने में, लेकिन अगर अगर वाटर कलर करते हो उसमें आपको बहुत समय लग जाता है। जैसे मिक्स मीडियम पे बात करें तो अगर वाटर कलर के ऊपर अगर आप एक्रोलिक कलर यूज़ करते हो उसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम बच जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ वाटर कलर ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए क्या होता है, वाटर कलर सिर्फ वाटर कलर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वाटर कलर एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर अगर देंगे तो अच्छा नहीं होता है। मुझे थोड़ा सा सूखने के लिए भी कभी कभी इंतज़ार करना होता है, इसीलिए वाटर कलर काफ़ी ज़्यादा समय वाला काम होता है, काफ़ी टाइम लगता है वाटर कलर करने में। इसलिए आप देखोगे यूट्यूब में वाटर कलर की वीडियो काफ़ी कम देखने को मिलता है। वाटर कलर इसीलिए कम देखने को मिलता है क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो इतना सब आपको ध्यान में रखना चाहिए कलर करने टाइम। ब्रशेस, अगर आपको जो ब्रशेस आपको कंफर्ट लगे वही ब्रशेस यूज़ करना। 0 या 1, 2, 4, 8 फ्लैट वाला कुछ भी ब्रशेस, अगर आपको कौन सी ब्रशेस का नीड है वही आपको यूज़ करना है। जैसे कि अगर आपको कुछ पतला वाला जगह है उसमें, अगर कुछ छोटा वाला एरिया इसको करना है उसके लिए आप 1 या 2 वाला ब्रशेस ले सकते हो, और बड़ा करना है तो 8 वाला ब्रशेस ले सकते हो, राउंड 8 वाला ब्रशेस ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं पानी वगैरह करता हूँ उसमें यूज़ कर सकते हो फ्लैट वाला ब्रशेस, जैसे कि 4 या 8 या 2। तो ऐसा कि कुछ ब्रशेस अपना अंदाज़ा लगा के करोगे तो अच्छा होगा। ब्रशेस की जो नॉलेज है वो मैं एक अलग सा ट्यूटोरियल बना के देंगे देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं वाटर कलर किस तरह से बहुत बढ़िया तरह से करना है वही हम सिखाने की कोशिश करेंगे। कि हम जो कलर कर रहे हैं वहाँ पे हम देख पा रहे हो घर की जो कलर है उसमें हमने वॉकर येलो, और पहले हमने येलो कलर यूज़ किया था उसके ऊपर हम वॉकर येलो यूज़ किया, उसके बाद हमने ब्राउन कलर किया, अभी हम ब्लैक कलर से फाइनल टच दे रहे हैं। तो सब लास्ट में ब्लैक कलर यूज़ करना होता है, और ब्लैक के साथ आप थोड़ा सा वाइट कलर को यूज़ करोगे तो और भी रियलिस्टिक आएगा। तो हमेशा ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा वाइट, ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा वाइट कलर भी यूज़ करना चाहिए तभी तो रियलिस्टिक आता है। ब्लैक वाइट को मिला के देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैंने हाउस को कंप्लीट किया है, ऊपर थोड़ा सा शेड शैडो वगैरह भी दे दिया है। तो अभी हम फाइनल फिनिशिंग करेंगे। और जो हमें टाली का घर है उसमें हमने टाली की कलर के लिए हमने रेड के ऊपर ब्लैक से टाली की कलर किया है कांच वगैरह। और यहाँ पे जो जो आपने देखा जैसे कि मैंने कलर किया, पहले मैंने लेमन येलो यूज़ किया या तो नॉर्मल येलो यूज़ कर सकते हो, उसके बाद लाइट ग्रीन, डीप ग्रीन, फिर मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया और ब्राउन कलर डाल वगैरह पे तो यूज़ करना होता है। और यहाँ पे देख पा रहे हो अभी हम घर को कर रहे हैं जिसमें ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ अभी। संडे ड्राइंग ट्यूटोरियल की इस फ्रेश एपिसोड को पूरा देखना तभी आप वाटर कलर सीख जाओगे। संडे, हर संडे में 9 AM एक ट्यूटोरियल डालता हूँ, तो संडे AM
9 AM आपको एक ट्यूटोरियल मिलेगा, तो देखना जरूर। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया मुझे, इस वीडियो को करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगा मुझे। 3 से 4 दिन से मैं काम कर रहा हूँ इस पिक्चर्स में, मुझे बहुत टाइम लगा इस पिक्चर्स को करने के लिए। तो वाटर कलर पे बहुत टाइम लगता है, एक्रोलिक कलर करने में या तो स्केचिंग वगैरह पे भी टाइम लगता है, वाटर कलर पे ज़्यादा टाइम लगते हैं। पहले स्केच करना होता है, उसके ऊपर वाटर कलर करो, तो काफ़ी टाइम लगता है वाटर कलर पिक्चर्स करने में। सबसे ज़्यादा कम टाइम मुझे लगता है एक्रोलिक कलर में, जहाँ काफ़ी कम टाइम लगता है करने के लिए। अगर अगर मिक्स मीडियम पे किस तरह से ड्राइंग करते हैं वो वाला अगर नहीं जानते हो, तो उसके लिए मैं चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वाटर कलर के ऊपर किस तरह से एक्रोलिक कलर करता है करना है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाया है ट्यूटोरियल, तो वाला आप देख सकते हो। और स्केचिंग की ट्यूटोरियल अगर स्केचिंग देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो मेरे चैनल पे हर तरह की ट्यूटोरियल आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पे देख पा रहे स्किन पे जो कलर है, मैं हल्का पतला करके ब्राउन कलर यूज किया है, पानी लेके, हल्का पानी लेके एकदम सा स्किन पे लगा दिया है। वो सूखने के बाद हम दूसरा लेयर पे काम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो पानी वगैरह है, वो पहले मैंने ब्लू, लाइट ब्लू, डीप ब्लू से सेट दिया, उसे सूखने सूखेंगे, उस सुखाने के बाद दोबारा हम पानी को कलर करेंगे। तो पानी में फर्स्ट लेयर पे एक बार कलर किया, दूसरी बार 2 लेयर पे हम काम करेंगे पानी पे। अभी हम ब्रिज को कर लेंगे, उसके बाद हम पानी को दोबारा करेंगे। अभी हम ब्रिज पे ब्लैक कलर दिया, देख पा रहे ब्रिज ब्रिज। तो सिनारी ड्राइंग करने का यही रूल्स होता है, पहले जो दूर में दिख रहा है उसे पहले ड्रॉ करो, जो लास्ट में दिख रहा है, दिखाई दे रहा है उसे हम लास्ट पे करते हैं। पहले हमें दिख रहा है स्काई आकाश, उस पहले हम स्काई आकाश को ड्रॉ किया, उसके बाद में जो झोप वगैरह है उसमें ड्रॉ किया ट्रीज वगैरह, उसके बाद में हमने ड्रॉ किया हाउस वगैरह को, घर को, उसके बाद हम ब्रिज को कर रहे हैं, उसके बाद हम जो ड्रॉ होगा वो होगा मिट्टी। मिट्टी से पहले भी अगर देखेंगे तो पानी वगैरह दिखाई दे रहे हैं, पानी पहले कर सकते हैं, पहले पानी करेंगे उसके बाद मिट्टी करेंगे। तो लास्ट और लास्ट में जो होगा वो होगा बर्ड्स और फिगर, जो है बॉय एवं और गर्ल्स, इन दोनों को सब लास्ट में करेंगे। तो जो लास्ट में दिखाई दे रहे हैं वो हम लास्ट में करेंगे। ऐसे एक रूल्स होते हैं, पहले जो दिख रहे हैं उसे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक आपको ध्यान में रख के करना आता है। ऐसे कि देख रहे हो मैं वाटर कर रहा हूँ, वाटर कलर में इस तरह से हम लाइट और डीप डीप ब्लू को इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से आपको पानी को कलर कर लेना है। अभी हम डीप ब्लू यूज कर रहा हूँ धार में, जो कि यहाँ पे इस तरह से कर लेना है, थोड़ा सा डार्क एरियाज को हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं इस तरह से। अभी इस तरह से कर लेंगे। फर्स्ट लेयर सुखाने के बाद मैं यहाँ अभी सेकेंड लेयर पे काम कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा लेयर पे काम करोगे उतना रियलिस्टिक ड्राइंग होगा। मैं बार बार मैं यही बात बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा लेयर पे काम करोगे उतना अच्छा होगा। वाटर कलर पे एक रूल्स होते हैं कि पहले लाइट कलर को पहले किया जाता है, उसके बाद हम डार्क कलर को यूज़ करते हैं। पहले आप लाइट कलर यूज़ करो, जो कलर लाइट कलर के ऊपर आप डार्क कलर करो तो बहुत अच्छा होता है। पर अगर आप एक्रोलिक कलर करते हो उसमें क्या होता है, डार्क कलर करने के बाद भी आप लाइट कलर कर सकते हो। वाटर कलर पे अगर डार्क अगर कर दिया कुछ डीप कलर, उसके ऊपर आप लाइट कलर नहीं कर सकते जब तक कलर नहीं सूख जाएगा। तो
तो बार बार आपको सूखने की सुखाने के लिए वेट करना होता है। ड्राई नहीं होगा अच्छी तरह से तो आप डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको लाइट कलर पहले कर लेना है और उसके बाद आपको डार्क जो कि डीप कलर होता है वो आपको यूज़ करना है। लाइट फिर डीप कलर यूज़ करो, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए थोड़ा सा। और अगर आप गलती से अगर डार्क कलर या कि डीप कलर यूज़ कर लिया है तो आपको पूरा सूखने के लिए वेट करना होगा, फिर आप डीप कलर के ऊपर लाइट कलर कर सकते हो। तो देखिए आप इस तरह से ड्राइंग करिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए पूरा वीडियो और कुछ भी कमेंट और में पूछना है तो ज़रूर पूछ। अभी हम इस तरह से कलर करेंगे तो मेरे नाम है अयोध्या सर, आप देख रहे हैं ड्राइंग वे चैनल। अगर आप मेरे ब्लॉगिंग देखना चाहते हो तो नीचे चैनल मेरा ब्लॉगिंग की चैनल की डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और जहाँ वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर आप बंगाली पे ड्राइंग देखना चाहते हो उसके लिए एक चैनल है ड्राइंग वे बंगाली। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो भी उसमें या नीचे की लिंक आपको दिया जाएगा, आप जाके फॉलो कर सकते हो। और फेसबुक चैनल भी है, वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप चैट करना चाहते हो मुझसे तो उसके लिए मैं बोलेंगे आप फेसबुक के में आ जाओ, मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। यूट्यूब में चैट करना मुश्किल होता है, इसीलिए फेसबुक या तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ तो वहाँ पे आपके साथ चैट कर सकते हैं, या कुछ आपको पूछना है ड्राइंग रिलेटेड तो हम ज़रूर बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे बात नहीं किया जा सकता। तो अगर आप ऐसे भी अगर जीमेल कर सकते हो तो भी चल जाएगा, वहाँ पे भी आंसर की अब जो भी क्वेश्चन आंसर करते हो उसमें ईमेल भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ड्राइंग करना है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं पहले मैं फूल फूल की जो फ्लावर्स की जो कलर से मैंने पहले कर लिया है पहले, उसके बाद हम बाकी की कलर कर रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम लगता है इस तरह की ड्राइंग करने के लिए, काफ़ी समय लगा, ये टाइम टेकिंग वाला काम है तो आपको काफ़ी धीरे धीरे काम करना है। यहाँ पे देख पा रहे हो मैं लाइट ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा कभी कभी ब्लैक भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह की पिक्चर सबको टाइम लेके करना है, एक दिन पे नहीं कर सकते। आपको इस तरह की पिक्चर करने के लिए आपको धीरे धीरे करना है, मैं बोलेंगे आपको एकटाना नहीं करना चाहिए इस तरह की पिक्चर सबको, 2 या 3 दिन लगा के धीरे धीरे करना चाहिए। एक दिन में 1 घंटा कर लिया उसके बाद वन आवर्स करने के बाद आप लोग छेड़ दो, थोड़ा सा सूखेगा, दूसरा दिन करो तो धीरे धीरे काम करो तो वाटर कलर काफ़ी अच्छा होता है। एक दिन में टाना काम करोगे तो उतना उतना होगा उतना अच्छा, पर मुझे लगता है आपको धीरे धीरे काम करना ज़्यादा अच्छा चाहिए, मुझे लगता है अच्छा है। तो अब धीरे धीरे काम करो और डेली प्रैक्टिस करो, डेली 1 आवर अगर ड्राइंग करोगे तो आपकी स्किल ज़रूर डेवलप होगा और जो होगा वो कमाल की होगा। तो डेली आप डेली 1 आवर्स ड्राइंग करो, 1 घंटा अगर डेली ड्राइंग करोगे तभी आप अच्छा आर्टिस्ट बन पाओगे और काफ़ी स्किल आपकी डेवलप हो पाएगा। एक टाना एक दिन कर लिया दो, फिर 1 मास या 10 दिन के बाद करोगे तो आपकी उतना अच्छा ड्राइंग की स्किल डेवलप नहीं होगा। तो मेरा सजेशन होगा आप डेली ड्राइंग करो, हो सके तो टाइम नहीं मिलता तो आधा घंटा या 15 मिनट 50 मिनट इतना हो सके 10 मिनट भी कर सकते हो, तो जैसे भी हो आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू करो तभी आप अच्छा ड्राइंग कर पाओगे। तो अगर डेली नहीं होता तो हफ्ता में एक बार करो, पर प्रैक्टिस जो बहुत ज़रूरी होते हैं ड्राइंग में। यहाँ पे देख पा रहे हो मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ, हेयर पे हेयर कर रहा हूँ, हेयर में कलर कर रहा हूँ ब्लैक कलर।
यहाँ पे हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे और देखिए इस तरह से करिए, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ पूरा पिक्चर्स को अगर आप देख रहे हो तो ज़रूर इस तरह से करो तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। अब इस तरह से ड्राइंग को करना चाहिए, इस तरह की ड्राइंग काफ़ी अच्छा होता है। तो हमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप इस तरह से फॉलो करो और मेरे इस तरह की ड्राइंग आपको हर संडे मिलता है। जैसे आपको नेक्स्ट संडे भी इस तरह की कुछ ड्राइंग मिलेगा ट्यूटोरियल, हर संडे 9 AM एक ट्यूटोरियल आपको मिलेगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और बेल आइकॉन को दबा के रखिए, ज़रूर आपको हेल्प होगा। एक ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, देख सकते हो यहाँ पे मैं काफ़ी धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह से आपको फ्लैट वाला ब्रशेस यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला नंबर 2 वाला ब्रशेस है। फेवर कैस्टल की ब्रशेस यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैं अमेजोन से बाय किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, मैंने पहले भी बोला है। तो चैनल के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जो मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ उसकी जो डिटेल वीडियो मैंने बनाया है उस सारे लिंक में नीचे दे देंगे, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। इस तरह से राउंड वाला ब्रशेस यूज़ कर रहा हूँ अभी, जो कि 4 या तो आप 6 ले सकते हो या तो 2 वाला ब्रशेस भी इस तरह यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो ज़रूर लाइक करना मेरे चैनल इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, तभी तो और भी अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा। ज़रूर इस चैनल अभी इसी वक्त आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इतना तक देखा है तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है ना बॉस, तो ज़रूर लाइक करना इस चैनल वीडियो को, अगर आप हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और नीचे जो लिंक है वहाँ पे जाके कुछ आपको ट्यूटोरियल वीडियो भी मिल जाएगा, तो वाला की देख लेना। तो मेरे चैनल पे हर तरह की ट्यूटोरियल आपको मिलेगा, किस तरह से वाटर कलर पे ड्राइंग करना है, किस तरह से एक्रोलिक कलर पे करना है, किस तरह से आपको स्केच करना है, तो सारे वीडियो में अपलोड करता हूँ और काफ़ी सारा मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया है और भी आने वाले टाइम पे अपलोड होगा। देख सकते हो इस तरह से उनको घास को कर लेना है, अभी दिख रहे हो मैं जो ग्रेसेस है वहाँ पे थोड़ा ग्रेस का कलर कर किया दिख रहे हो, इस तरह से आपको ग्रेस का कलर किया। अभी हम थोड़ा सा घर के नीचे कलर करेंगे इस तरह से। अभी हम फाइनल फिनिशिंग की ओर चला गया है, अभी हम फाइनल फिनिश करेंगे पिक्चर को। फिर लास्ट में अभी हम लास्ट की फिनिशिंग करेंगे, देख सकते हो। यहाँ पे जो पेड़ में मैं ब्लैक कलर यूज़ किया है, थोड़ा सा वाइट मिला के ब्लैक कलर किया है। अभी हम वाइट कलर से थोड़ा सा इसे शेडो दे देंगे, आपको इस तरह से कर लेना है। देख पा रहे हो यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, क्योंकि पहले जो कलर कर रहा था तब मैं व्हीकल की टाइम कर रहा था, तब अब हम सकल की जो कि मॉर्निंग की टाइम है, तो अभी हम लाइट अच्छा आ रहा है, तो लाइट की कलर मॉर्निंग पे काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा लाइट पड़ता है मेरे विंडो से। तो अभी देख पा रहे हो कितना अच्छा पिक्चर्स की क्वालिटी आ गया है, तो कैमरा के साथ साथ लाइट का भी लाइट अच्छा पड़ता है तब भी पिक्चर्स में अच्छा होता है, तो मैं इसीलिए मैं
मैं जॉब की मॉर्निंग की टाइम पे ड्राइंग कर लेता हूँ, क्योंकि आप सबको अच्छी तरह से दिखाना चाहिए। आपको अच्छी तरह से दिखे तभी तो आप सीखोगे। और जो कि लाइट वगैरह यूज़ कर, अगर नेचुरल लाइट अगर यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है। अगर बल्ब वगैरह से लाइट में पहले ड्रॉ करता था तो उसमें क्या होता, शेडो का प्रॉब्लम होता था। पर जो कि मैं सनलाइट का यूज़ अभी यूज़ करता हूँ तो ऐसा है, क्योंकि सनलाइट की जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। सनलाइट में ड्राइंग करता हूँ तो उसमें कोई शेडो वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होता, देख पा रहे हो अभी कितना अच्छा क्वालिटी आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी होता है सनलाइट की, लाइट की यूज़ करो। अगर आप ड्राइंग चैनल बना चैनल है आपके पास, अगर आप वीडियो बनाते हो तो मैं बोलेंगे आप सनलाइट का यूज़ करो। और ये वाला जो वीडियो है वो मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है मेरा मोटो G5, अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड किया है तो मोबाइल पे ही काम चल जाता है। ऐसा नहीं है आपको कैमरा चाहिए, एडिटिंग भी मैं मोबाइल से ही कर लेता हूँ। तो सारे काम आप मोबाइल से भी कर सकते हो। अगर आपकी यूट्यूब चैनल है, अगर आप खोलना चाहते हो तो मोबाइल से ही खोल सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं किस तरह से चैनल पे वीडियो एडिटिंग करता है बनाना है, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे बोलना। मैं काफ़ी न्यू चैनल है उसमें आपको अपलोड करके दे देंगे। आपको फेसबुक में पूछ लेना, मैं वहाँ पे भी आंसर कर देंगे किस तरह से क्या आपको मैनेज करना है। तो आपको सारे डिटेल में सारे हेल्प करने की कोशिश करेंगे, इतना हो सके ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। ड्राइंग रिलेटेड जो भी मुझे होगा, जितना भी ड्राइंग मुझे आता है, मैं इतना सीखा है इतने सालों में, मैं जो भी मेरा पास नॉलेज है वो आप सबको देने की कोशिश करेंगे। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैं जितना सीख रहा हूँ उतना मेरे स्किल भी बढ़ रहे हैं, स्किल डेवलप होगा। आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी ऐसा स्किल धीरे धीरे डेवलप होगा। तो धीरे धीरे अब जितना ड्राइंग में एक बात है, आप जितना ड्राइंग करोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका ड्राइंग स्किल बढ़ेगा। अगर मेरे पहले वाला वीडियो देखोगे, 2-3 साल पहले का वीडियो देखोगे और आज का वीडियो देखोगे, काफ़ी डिफरेंस मिलेगा आपको वीडियो देखने में मेरा स्किल कितना डेवलप हुआ है। तो मैं कभी टाइम मिलेगा तो आपको वीडियो बना के दिखाएंगे मैं पहले कैसा ड्राइंग करता था, आज कैसा ड्राइंग करता हूँ, तो सारे आपको दिखाएंगे कभी टाइम मिलेगा तो। वाटर कलर पे अगर आप धीरे धीरे ड्राइंग करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक लेयर करो, उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दो, फिर दोबारा लेयर में काम करो, ड्राई होने के लिए छोड़ दो। ज़्यादा जल्दी में काम करोगे तो उतना अच्छा वाटर कलर में पिक्चर नहीं बनेगा। और अगर आपको जल्दी में कुछ अच्छा रियलिस्टिक चाहिए तो उसके लिए मैं बोलेंगे आप एक्रोलिक कलर पे काम करो। वाटर कलर पे आपको जल्दी में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, वाटर कलर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होता है। तो को वाटर कलर करना है तो आपको धीरे धीरे करना है, यही बोलेंगे आपको। देख पा रहे हो यहाँ पे एक बर्ड्स है, मैं उसमें यहाँ पे बर्ड्स में मैंने कलर किया है ऑरेंज कलर और ब्लू कलर से, मैंने बर्ड्स को कंप्लीट किया है। फाइनली मेरे पिक्चर्स कंप्लीट हो गया है। इतना तक देखने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट संडे 9 AM आपको एक ट्यूटोरियल मिलेगा। फाइनली कंप्लीट हो गया पिक्चर्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और अगर आप न्यू हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल पे पास में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे प्रेस कर देना है। इस वीडियो को आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप शेयर करोगे तभी और भी जिसको आर्ट सीखना है उसके पास पहुंचेगा इस वीडियो, जो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप सब इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे 9 AM।
आई होप आपको इस वीडियो काफ़ी पसंद आया है। तो ऐसे ही कुछ और भी ट्यूटोरियल आपको बैक टू बैक मिलेगा, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।